सो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। आज की जो वीडियो है ये कोई माइनक्राफ्ट की वीडियो नहीं होने वाली है। इसके अंदर मैं आप लोगों को आज फ्री फायर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आप लोगों का जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फ्री फायर होता है, आप लोग जब इसे ओपन करते हो वो टैप टू बिगिन वाला जो वहाँ पे बटन आता है आप लोग क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप लोगों का जो कनेक्शन टाइम आउट है वो हो जाता है। या फिर आप लोग जब भी क्लैश स्क्वाड वगैरह खेलते हो और आप लोग वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन होते हो उस टाइम में भी कई बार होता है कि आप अकेले वहाँ पे चले जाते हो, बाकी तीन प्लेयर आप लोगों के आते ही नहीं है। उसके बाद में आप लोगों का दोबारा से जो कनेक्शन रीसेट होता है वो उसके बाद में आप लोग दोबारा से मेन लॉबी में आ जाते हो और आप लोगों को दोबारा से गेम को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। चैनल पे अगर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी करके जाना कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई है नहीं हुई है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दो। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे जो ये कनेक्शन टाइम आउट वाली जो प्रॉब्लम है ये कैसे सोल्व करोगे। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो दोनों प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सर्वर से रिलेटेड है। आप लोगों का जो मोबाइल, आप लोगों का जो गेम है वो आप लोगों का जो गेम का सर्वर है उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। ये जो फेलियर होता है ये आप लोगों के जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत स्लो रहता है और आप लोगों का जो पिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप लोगों का जो गेम है आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। उस वजह से आप लोगों के सामने ये जो प्रॉब्लम है देखने के लिए मिलती है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेबल कनेक्शन के साथ में जुड़ना है। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं स्टेबल कनेक्शन किसे कहेंगे। स्टेबल कनेक्शन उसे कहेंगे जब आप लोगों का जो पिंग है वो 50 से ऊपर ना जाए, या फिर 50 से ऊपर अगर जाता भी है तो 100 से ऊपर तो बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि 100 तक अगर आप लोगों का जो पिंग अगर रहेगा तो आप लोगों का गेम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को कभी भी अनेबल टू कनेक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर सर्वर टाइम आउट वाली प्रॉब्लम भी कभी नहीं आएगी। तो इसलिए आप चाहे वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए कि आप लोग मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो जाइए, लेकिन आप लोगों का सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। उसी कंडीशन के अंदर आप लोगों का जो ये गेम एकदम स्मूथली चलने वाला है और आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दोनों में से। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का, जैसे कई बार होता है कि आप लोगों का पिंग अच्छा खासा चल रहा होता है, 50-60 पिंग रहता है आपका, फिर भी आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर ज्वाइन होते हो लेकिन आप अकेले लॉबी के अंदर चले जाते हो लेकिन बाकी के जो तीन प्लेयर है वो आते ही नहीं है गेम के अंदर, या फिर कई बार ऐसे होता है कि आप लोग गेम के अंदर चले गए हो लेकिन फिर आप लोगों को एकदम से जो गेम है उससे है बाहर कर देते हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो क्लैश स्क्वाड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जैसे रैंक्ड वाला खेलते हो आप लोग, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक बटन आने लग जाएगा क्रॉस वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, जब तक एस्टिमेटेड टाइम चल रहा है तो जैसे ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस जगह पे आप लोगों के सामने आ तो आ जाएगी वो प्रॉब्लम जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर नहीं आती है तो आप लोग गेम इंजॉय कर सकते हो, आप लोगों का गेम इस जगह पे बंद हो जाता है। आप लोगों के यहाँ पे जो प्लेयर के जो नाम दिखाई देंगे, यहाँ पे एक या दो नाम दिखाई देंगे और ऊपर टाइमिंग चल जाएगा कि आप लोग दोबारा से लॉबी में चले जाओगे, तो उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है, ऊपर की साइड में क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लोग जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग वाईफाई से जुड़े हुए तो आप लोगों को क्या करना है, वाईफाई को एक बार बंद कर देना है और फिर दोबारा से ऑन कर लेना है। तो मतलब एक टाइप से ये बता देता हूँ, आप लोगों को जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है उसको रीस्टार्ट करना है। अगर आप लोग मोबाइल डाटा से कनेक्टेड हो तो आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर देना है और फिर दोबारा से चालू कर देना है। लेकिन मैं दोबारा से कह देता हूँ, ये काम आपको तभी करना है जब आप लोगों की जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग गेम के अंदर आने के बाद में आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों का जो अनेबल टू कनेक्ट वाला है वो मैसेज आ जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग जब अपना नेटवर्क कनेक्शन इसको रीसेट करके आराम से वहां पे अपना जो गेम है इसको इजीली चला सकते हो और आप लोग गेम से बाहर नहीं जाओगे, आप लोग दोबारा से गेम के अंदर पहुंच जाओगे। तो दूसरा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से आप लोग जो है ये जो नेटवर्क कनेक्शन वाली जो प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को जो सेटिंग वाला ऑप्शन है वहां पे ले चलता हूं। तो चलिए अब आप लोगों में जो दूसरे वाला मेथड है वो समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे दूसरे वाला जो तरीका वो यूज़ करोगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो सेटिंग है वो ऑन कर लेना है। इसके अंदर जो सर्च वाला है इसके अंदर आके जो परमिशन है वो सर्च करनी है। परमिशन सर्च करके आप लोगों को जो एप्लीकेशन है परमिशन वाला है इसके अंदर आ जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग रेडमी वगैरह का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप लोगों को ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी वाईफाई सेटिंग के नाम से, जिसके अंदर आप लोगों को जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसे ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरी कंपनी ओप्पो वीवो वगैरह के यूज़ करते हो तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को ऐप मैनेजर में आना है। ऐप मैनेजर में आके आप लोगों को जो फ्री फायर है वो ढूंढ लेना है, कहाँ पे आप लोगों का जो फ्री फायर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे फ्री फायर को ढूंढ लेने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसको ओपन करना है।
इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो परमिशंस वगैरह हैं, आप लोगों को जितनी परमिशंस है एक बार इनको ऑफ कर देना है। इनको डिनाई करने के बाद में आप लोगों को दोबारा से अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जितनी भी तीनों सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, आप लोगों को ये तीनों सेटिंग यहाँ से पहले ऑफ कर देनी है और फिर दोबारा से ऑन करनी है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऑल परमिशंस के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यू वेलैन कनेक्शन, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप लोग यहाँ पे ओके है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट फ्रॉम वीलैन, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको ओके कर देना है। फिर आप लोगों को ऊपर की साइड आ जाना है। ऊपर की साइड आने के बाद में आप लोगों को इन चीज़ों में से किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आप लोगों को दोबारा से अपना जो फ्री फायर है वो ओपन कर लेना है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बार आप लोगों की कोई भी जो ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोगों के सामने पहले आ रही थी वैसी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है ये रेडमी वगैरह के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आप लोगों का अगर ओप्पो भी हुआ तो मैं नहीं गारंटी दे सकता कि आप लोगों में सही से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों का जो फ़ोन है उसके अंदर ये पर्टिकुलर ये सेटिंग नहीं दे रखी है वाईफाई कनेक्टिविटी वाली। तो जो मैंने बताया बस आप लोगों को उसी तरीके से जो आप लोगों का जो परमिशंस वगैरह हैं इनको टच करना है। लेकिन अगर आप लोग जो है रेडमी वगैरह का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप लोगों को ईजिली वहाँ पे जो वाईफाई कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिर भी अगर ये जो दोनों मेथड आप लोगों के काम नहीं करते हैं सही से और आप लोगों का जो गेम है वो फिर भी वो सबसे प्रॉब्लम दिखा रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों का जो तीसरा जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और जो तीसरा मेथड है इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं 1% की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि कई बार आप गेम खेलते रहते हो लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन एक बार के लिए डाउन हो जाता है और आप लोगों का जो सर्वर है वो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो 1% है वो फिर भी अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को 99% आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो तीसरे वाला मेथड क्या है, आप लोगों को क्या करना है, जो मोबाइल नेटवर्क वाला है इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो डाटा वाला है इस डाटा के अंदर आप लोग अगर कोई भी सिम से अगर यूज़ करते हो, जैसे मैं जियो और आइडिया वगैरह यूज़ करता हूँ और जियो सिम के अंदर मैंने डाटा रिचार्ज करवा रखा है, तो यहाँ पे आप लोग जो जियो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक बार पहले आइडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है डाटा को दोबारा से जियो के ऊपर सिलेक्ट करके, मतलब एक टाइप से आप लोगों को बता देता हूँ जो डाटा कनेक्शन रीसेट है वो आप लोगों को करना है। अगर आप लोग वहाँ पर सर्च करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर सर्च में मिल जाएगा डाटा रीसेट कनेक्शन, तो आप लोग वहाँ से भी डाटा को रीसेट कर सकते हो अगर आप लोग रेडमी वगैरह का फ़ोन यूज़ करते हो तो। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो जियो वाला है इसके ऊपर आ जाना है आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप लोगों को डाटा रोमिंग अगर ऑन करनी है तो आप लोग यहाँ से ऑन कर सकते हो। कैरियर को आप लोग क्या करना है, दोबारा से ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है इसको एक बार ऑफ करके ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो पूरा का पूरा जो डाटा कनेक्शन है वो रीसेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग जब दोबारा से अपना जो फ्री फायर है वो ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने जो अनेबल कनेक्ट वाली जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों की जो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता देना कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी 1K की फैमिली होने वाली है। तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।